हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। दिस इज डीआरएक्स रहमान। आज बात करेंगे ट्रामाडोल इंजेक्शन के बारे में, इसके यूज, साइड इफेक्ट के बारे में, अब कैसे काम करती है, इसकी डोज क्या लेनी है, तो सब जानते हैं। वीडियो को पूरा देखते रहिए और दवाइयों से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं इसकी ब्रांड के बारे में, किस नेम से मार्केट में मिलती है। ट्रामा ताज 15 मिलीग्राम, इसको ताज फार्मा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कॉन्ट्रामल 2 ml, इसको एवेल्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। डोमाडोल 100 मिलीग्राम, इसको यूनिकेम कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ट्रामासोल 100 मिलीग्राम, इसको मैनकाइंड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये थी वो ब्रांड जिस नेम से मेडिकल स्टोर मिलती है। तो अब बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। ट्रामाडोल एक नारकोटिक ड्रग होती है, इसको बहुत से डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। इसको प्रिस्क्राइब करने के लिए एनआरएक्स डॉक्टर की ज़रूरत होती है, और इसकी दवाई के ऊपर लिखा भी होता है एनआरएक्स दवाई है, तो इसको बहुत से डॉक्टर लिखते भी नहीं है। तो इसका यूज़ मॉडरेट सवेरा पेन में किया जाता है, जब इंसान दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो डॉक्टर इसको, तो उस कंडीशन में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। वो दर्द कोई सा भी हो सकता है, आर्थराइटिस का दर्द हो सकता है, किडनी स्टोन का दर्द हो सकता है, अपेंडिक्स का दर्द हो सकता है। तो ये दर्द बहुत ही पेनफुल दर्द होते हैं और इंसान इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और इसको ट्रामा सेंटर में भी रखा जाता है, जो सीरियस केस होते हैं, एक्सीडेंटल केस होते हैं, तो उसमें भी, उस कंडीशन में भी डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। तो ये थे ट्रामाडोल इंजेक्शन के यूज़। तो अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, किन लोगों को ये इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। ब्रेन इंजरी, अगर कोई भी ब्रेन की इंजरी हुई है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को नहीं लगाना चाहिए। एलर्जी, अगर ट्रामाडोल इंजेक्शन से एलर्जी है तो भी उस कंडीशन में इसको उपयोग नहीं करना चाहिए, इसको नहीं लगाना चाहिए। सीजर, अगर किसी को दौरे आते हैं तो भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग वूमेन में, जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो इन सब कंडीशन में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो अब बात करते हैं ये काम कैसे करते हैं, इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। हमारे ब्रेन में नर्वस सिस्टम होता है, ये नर्वस सिस्टम में ओपियोइड रिसेप्टर लगे होते हैं, तो ये उस रिसेप्टर पे काम करती है अपना, ये उन रिसेप्टर को वीक कर देती है, जिससे इंसान को महसूस नहीं होता है दर्द। इस इंजेक्शन का असर रहता है तब तक तो पेशेंट को कोई भी दर्द महसूस नहीं होता। जब इस दवाई का असर कम होने लगता है तो फिर से दर्द शुरू होने लगता है, तो ये परमानेंटली दर्द को नहीं रोकती है। सिर्फ इसको डॉक्टर इसलिए लगाते हैं, सर्जरी के टाइम भी इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं, ये कुछ टाइम के लिए आपके दर्द को कम कर देती है। परमानेंटली तो दर्द आपका जब सही होगा, जब किडनी स्टोन है, जब स्टोन सही हो जाएगी तो वहाँ का दर्द भी ठीक हो जाएगा। आर्थराइटिस होती है, जैसे यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जब यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा तो आर्थराइटिस का दर्द कम हो जाएगा। ये जो इंजेक्शन दिया जाता है, ये कुछ ही टाइम के लिए इंसान को दर्द से कम करने के लिए दिया जाता है, तो ये ऐसे काम करती है। तो अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। अगर आप किसी को ओवरडोज दे देते हैं तो इसके क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो वोमिटिंग, न्यूजिया, अपसेट स्टमक, गैस बन सकती है, चक्कर आ सकते हैं, नींद आ सकती है, तो ये सब साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। जब आप इस दवा इंजेक्शन को लें तो कौन कौन सी दवाइयाँ आपको नहीं लेना चाहिए। टाजालोन, प्रोकार्बाजीन, फेनलजाइन, सेफिनामाइड, डिक्लोमाइड, एंटी डिप्रेशेंट, डिफ्लुजाटाइन, पिरोजाटाइन, डेलोजाटाइन, पेंटाजोसिन, बुटोल, फेनोल, तो ये वो दवाइयाँ हैं जो इस इंजेक्शन को लेने के बाद नहीं लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। तो 1 ml में 2 ml आता है, जिसमें 1 ml में 50 मिलीग्राम होता है, तो 2 ml भी इंजेक्शन लगाया जाता है, 100 मिलीग्राम इंजेक्शन लगाया जाता है। इसको तो IM भी लगा सकते हैं, इंटरमस्कुलर भी दे सकते हैं और IV भी दे सकते हैं। इसको डायरेक्ट IV नहीं दिया जा सकता, इसको RL RDNS की बोतल में ही डाल के दिया जाता है। अगर आप इसको IV में देते हैं डायरेक्ट, तो इसको तो इससे ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं पेशेंट को, तो डॉक्टर पेशेंट की नीड के हिसाब से इसको देता है। तो दोस्तों ये थी इसकी जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।